ওরে পাগল হয়ে যাব আমি পাগল হয়ে যাব ওরে পাগল হয়ে যাব আমি পাগল হয়ে আসসালামু আলাইকুম নমস্কার আদাব আরজ হ্যায় কেমন আছো সত শ্রী আকাল আর সুনাইয়ে দোস্তো কেসে হ্যায় আপ লোগ উম্মীদ করতা হুঁ আপ লোগ আচ্ছেই হোঁগে कि देखिए दोस्तों, पिछले दो वीडियो से मैंने आपको बताया कि मेरी हालत क्या है क्या नहीं है, तो आप लोग तो खुद ही जानते हो कि मुझे एक यूट्यूबर ने इतना सता रही है, वो तो आप दो वीडियो में देख चुके हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसा करके नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग मुझे इग्नोर करें या कुछ भी करें, मैं ये हकीकी बात बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर किसी से दोस्तागी करना है तो अच्छे से करिए, या किसी भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, अगर दोस्तागी करना है तो अच्छे से कीजिए, वरना मत कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक किसी गैर या अनजाने यूट्यूबर्स को, या किसी फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या कुछ भी हो, अगर उसको सताएंगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा, मुझे ये बताइए, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम लोग है ना कुछ एक वाईटी की फैमिली की तरह रहते हैं, क्योंकि अगर वाईटी फैमिली की तरह वाईटी में ऐसे जुड़ जाते हैं कि एक दूसरे को वाईटी की फैमिली की तरह हम लोग जानते हैं, ये तो ये बात सभी जानते हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर एक दूसरे को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये बात तो जाहिर है, आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए या आपको कुछ मेरे से हेल्प होना है तो आप खुला खुला बता दीजिएगा ना, तो फिर ये सारे का सारा सब नाटक करने की ज़रूरत क्या है। तो अगर आपको मुझे अगर कुछ WT चाहिए या सब्सक्राइबर चाहिए या कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दिया करो ना, तो मैं आप लोगों को, मेरे को जितनी भी हेल्प हो सके मैं आप कर दूँगा। ऐसा नहीं है कि कई लोगों के साथ मैंने हेल्प भी किया है, मुझे भी हेल्प किया है सभी लोगों ने। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जब मैं घर पे रहता हूँ या मेरी वाइफ के साथ या बच्चों के साथ में रहता हूँ, तो फिर ये सारे का सारा नाटक करने की क्या ज़रूरत है। कभी मिस कॉल मारते हैं, कभी व्हाट्सअप पे आते हैं, हाय बोलते हैं, कभी रोने की इमोजी रखना, ये सब खर्च करना अच्छा नहीं लगता ना। तो आप लोग खुद ही बताइए कमेंट करके, ये किसी के साथ ऐसा करने से घर की फैमिली भी क्या बोलेगी, घर की फैमिली हो या रिश्तेदार हो, ये लोग सब क्या बोलेंगे, मुझे ये बताइए। अगर आपको डायरेक्ट बात करो या मुझे कुछ हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए तो तुम बोल दिया करो ना, अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो फिर दिक्कत तो होगी ना। तो मेरे घर में भी ऐसे ही दिक्कत होगी, ये घर में भी पूछेंगे कि भाया ये क्या कर रहे हो तुम, ये कैसा पंगा लेके बैठे हो, तो सभी लोगों को तो दिक्कत तो होगी ना। आप बताइएगा, ज़रूर बताइए कमेंट करके, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कर रहा, तो आप जब ज़रूरत पड़ रही है आपको, जब मैं याद आता हूँ तो जब आप कॉल करते हो, कुछ भी करते हो या स्विच ऑफ कर देते हो, ऐसा मत किया करो ना भाया, मुझे ऐसा करने से अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों को ये बात से बुरा लगेगा कि क्या यार, ये तो विला गोल्ड खामा खा ये ऐसे ही हर रोज ऐसे ही वीडियो डाल रहा है और बता नहीं रहा है कि वो कौन है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ हकीकी बात बता रहा हूँ, आने वाले वीडियो में मैं आखिर में उनको सब कुछ बता दूंगा। बहुत मुझे दिक्कत होती है। अभी देखो, सुबह सुबह मैं काम के लिए निकल रहा था, तो उसने सुबह सुबह उठा, पता नहीं क्या किया, या चाय पिया या ब्रेकफास्ट किया या बिस्किट वगैरह खाया या नहीं खाए, पता नहीं है। फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका नाम बताऊंगा तो अगर उनको बुरा लगेगा ना, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, वो खुद ही जान जाए कि अगर मुझे अगर ऐसा सताना है या कुछ भी करना है। अगर आप उठते हो रात में, सुबह में उठते हो, कभी रात में सोते हो, कुछ भी करते हो, तो मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो यार, प्लीज़ ऐसा मत किया करो, मुझे रुलाओ मत यार, मुझे रुलाने से बहुत दुख होता है, मुझे रुलाओ मत ना। तो अगर तुमको अगर रुलाना है तो साफ़ सुथरा रुलाओ ना, फ़ोन करके सताओ, रुलाओ, सब कुछ करो।
मिसकल मारती हो, फिर स्विच ऑफ कर देती हो, पता नहीं क्या क्या करती हो, पता नहीं कभी रोने की इमोजी डालती हो, कभी कुछ नहीं। और दूसरी जगह से मैं देखता हूँ तो दूसरों की लाइव स्ट्रीम में भी फिर पता नहीं क्या क्या बोलती हो, ये सब अच्छा नहीं लगता है यार। प्लीज़ आप बुरा मत मानना, मुझे बात कर लो, या तो मैं देखो मैं किसी का कॉल आता है या कुछ भी आता है तो यार प्लीज़, मैं किसी को आज तक बुरा भला नहीं किया, 6 साल की कैरियर हो गई है मुझे भी YT पे रह के, और मैं किसी को बुरा भला नहीं कहता। जितने लोगों को मैंने हेल्प किया सभी लोग मेरी बहने हैं, अच्छे हैं, मगर आप क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर मुझे ऐसा ही चाहना जानना चाहते हो या चाहते हो तो खुला खुला बता दो ना, तो फिर इसमें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? ऐसा मत किया करो, गलती पता नहीं कहाँ हो गई तो मेरा नंबर भी ले लिया आपने, सब कुछ किया, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो यार, ऐसा करने से बहुत बुरा लगता है। देखो आपकी भी फैमिली होगी, मेरी भी फैमिली होगी, ऐसा मत किया करो यार प्लीज़। आप जो जो बोलना है साफ 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 बोल दिया करो ना, ऐसा बोल दिया करो, तुमको ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा करूँगी, तो फिर बोल दिया करो ना। अगर चाहे, अगर आपको कुछ चाहिए मुझसे तो आप बोल दिया करो ना प्लीज़, ऐसा मत किया करो। तो दोस्तों देखो, अगर आपको ये मेरी ये जो भी है तो आपको अगर बुरा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या इनको मेरे साथ में रखना है या नहीं रखना है। अगर मेरे साथ में रखना है, क्योंकि देखो मैं किसी को मैं दिल दुखाता नहीं हूँ और बुरा बोलता नहीं हूँ, मुझे 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 आदत नहीं है कि बुरा बोलने की और बुरा कहने की, ये तो आप लोग सभी जानते हो। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आपको अभी भी टाइम देता हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। तो दोस्तों देखिए, ये जो मैं कर रहा हूँ इनके साथ में वो मुझे कर रही है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनके साथ में क्या मैं इनको ब्लॉक कर दूँ या इनको हटा दूँ, या आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इनके साथ में रहना है या नहीं रहना है, प्लीज़ आप लोग खुद ही बताइए। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि मैं क्या इनके साथ में रहूँ या ना रहूँ। तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इनके साथ में क्या करूँ। तो प्लीज़ हेल्प मी, और मुझे हेल्प करिए आप लोगों कमेंट करके, तो मैं इनके साथ में क्या करूँ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। देखिए ये वही लोकेशन है, फिर वहीं का है, तो मैंने आज बाइक पे आना जाना तो डायरेक्ट आ गया था, तो आप लोग मुझे हेल्प करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे वीडियोस देखने के लिए, और मुझे ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं इनके साथ में क्या करूँ। थैंक यू सो मच।